नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से। दोस्तों आज मैं चांदी की चौरस डिब्बी के बारे में बात करूंगी। लाल किताब में चांदी की चौरस डिब्बी मंदे ग्रहों के प्रभावों को अच्छा करने के लिए उपाय के तौर पर बताया गया है। चौरस आकृति मंगल नेक की बताई गई है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आप अगर मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आइए बात करते हैं चांदी की डिब्बी के बारे में। दोस्तों चांदी चंद्रमा की कारक धातु मानी गई है। चंद्रमा की कारक वस्तुएं चांदी, चावल, सच्ची मोती, गंगा जल, दूध, पानी, ये सब चंद्रमा की कारक वस्तुएं मानी गई है। माँ को भी चंद्रमा का कारक माना जाता है। अगर चंद्रमा कहीं कमजोर हो रहा होता है तो चंद्रमा की कारक वस्तुओं का उपयोग करके चंद्रमा को बली बनाया जाता है, चंद्रमा को प्रबल किया जा सकता है। दोस्तों अगर कुंडली में कहीं भी कोई भी ग्रह खराब हो रहा है, बुरा प्रभाव दिखा रहा है, तब भी चंद्रमा की कारक वस्तुओं का उपाय करके उस ग्रह से संबंधित अच्छा फल लिया जा सकता है। चांदी की चौरस डिब्बी, कौन से ग्रह किन भावों में मंदे होकर बैठे हैं, उन घरों से संबंधित कारक ग्रहों की वस्तुओं को चांदी की चौरस डिब्बी में भर करके उपाय किया जाता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है मंदा होकर के, तो हम चांदी की डिब्बी का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु खाना नंबर एक, खाना नंबर एक को तख्त कहा गया है। खाना नंबर एक खुद के व्यक्तित्व का होता है। अगर राहु खाना नंबर एक में आया है तो लाल किताब में कहा गया है कि हाथी बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा। अगर यहाँ पर राहु बुरा प्रभाव दिखाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही हिलाकर रख देता है, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चंद्रमा का उपाय किया जाता है। चांदी की चौरस डिब्बी में चावल, सच्ची मोती भर करके माँ के हाथों से आशीर्वाद के तौर पर लेकर अपने पास रखने से यहाँ राहु शांत होता है। राहु के जीव जो भी प्रभाव बुरे मिल रहे थे उसमें कमी आती है, राहु शांत होकर बैठ जाता है। दोस्तों राहु खाना नंबर 10, खाना नंबर 10 प्रोफेशन का होता है, व्यापार का होता है, कर्म का होता है। यहाँ पर अगर राहु आता है, वैसे राहु 10 खाना नंबर 10 में अच्छा माना गया है, लेकिन अगर कहीं बुरा प्रभाव दिखा रहा होता है तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। राहु को कंट्रोल करने के लिए वहां पर चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भर करके अपने पास रखने को कहा जाता है, क्योंकि राहु को शांत करने के लिए चंद्रमा और मंगल की सहायता की जरूरत होती है। मंगल और जब चंद्रमा साथ में मिलकर राहु को कंट्रोल करते हैं तो राहु अपना बुरा प्रभाव दिखाना छोड़ देता है। शनि खाना नंबर 4, शनि खाना नंबर 4 में मंदा माना गया है। यहाँ पर शनि चंद्रमा के घर में आता है तो कहा गया है कि पानी में तैरता हुआ सांप। तो जब यहाँ शनि आता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाता है। शनि व्यक्ति को भटकाता है, सपने बहुत दिखाता है, व्यक्ति काम कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे शनि को चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाता है। चांदी की चौरस डिब्बी में चावल और सच्ची मोती भर करके माँ से अपने हाथों उनके हाथों से ले करके अपने पास रखने से शनि का जो बुरा प्रभाव है वो कम होने लगता है। शनि खाना नंबर 5, खाना नंबर 5 होता है एजुकेशन का, संतान का। तो अगर शनि खाना नंबर 5 में आता है, शनि यहाँ मंदा माना गया है, तो एजुकेशन में संतान पक्ष की तरफ से संतान उत्पत्ति में यहाँ बाधा उत्पन्न करता है। तो शनि को यहाँ ठीक करने के लिए चंद्रमा का साथ देते हैं। इसके लिए चांदी की चौरस डिब्बी में केसर भर करके अपनी माँ के हाथों से आशीर्वाद के तौर पर लेकर अपने पास रखने से
एजुकेशन में और संतान की तरफ से जो भी तकलीफें आती हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। दोस्तों अब आइए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा खाना नंबर एक में जब आता है तो व्यक्ति के मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। ऐसे में चंद्रमा को प्रबल करने के लिए माँ के हाथों से चांदी की चौरस डिब्बी चावल और सच्ची मोती भरकर लेने से आशीर्वाद लेने से चंद्रमा बलि बनता है और चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। चंद्रमा खाना नंबर चार में चंद्रमा का स्वयं का घर होता है। यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल देता है। अगर किसी वजह से चंद्रमा का फल अच्छा नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पर भी माँ से चांदी की चौरस डिब्बी में चावल और मोती भर करके आशीर्वाद लेकर अगर अपने पास रखते हैं तो चंद्रमा अच्छा प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और चंद्रमा से संबंधित कारक वस्तुएं जीवन में आकर्षित होने लग जाती हैं। चंद्रमा खाना नंबर आठ में नीच का माना गया है क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है। तो खाना नंबर आठ में जब चंद्रमा आता है, खाना नंबर आठ श्मशान का कहा गया है, वहां पर चंद्रमा का फल जो होता है वो कैद होता है। उसके बुरे प्रभावों को खत्म करने के लिए कहा गया है कि जितना ज्यादा हो सके घर में चांदी अगर ठोस चीजें अपने घर में अगर रखते हैं ईंट के रूप में तो चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव है धीरे धीरे खत्म होता है। चंद्रमा आठ के बारे में ये भी कहा गया है कि जब चंद्रमा खाना नंबर आठ में हो तो श्मशान के जो अहाते के अंदर का पानी होता है कांच की बरनी में भर करके उसमें एक चांदी का चौरस टुकड़ा डाल करके घर में रखने से चंद्रमा का बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है और चंद्रमा अच्छा प्रभाव देने लगता है। चंद्रमा अगर आठ में हो तो जितना ज्यादा शरीर में अपने चांदी धारण कर सके उससे भी चंद्रमा प्रबल बनता है और अच्छा प्रभाव दिखाता है। केतु खाना नंबर नौ। खाना नंबर नौ होता है भाग्य का केतु। यहाँ पर उच्च का माना गया है। अगर किसी कारणवश यहाँ केतु खराब हो रहा होता है तो भाग्य साथ नहीं देता है, तरह तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। तो ऐसे में आपको चांदी की चौरस डिब्बी में केसर भर करके अपने पास अगर रखते हैं तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने लगता है और भाग्य साथ देने लगता है। केतु खाना नंबर दस। खाना नंबर दस होता है कर्म का, प्रोफेशन का, किसी तरह का भी जो आप कर्म करते हैं वो होता है खाना नंबर दस। यहाँ पर केतु आता है तो उन कर्मों से आपको अलगाव देता है। थोड़े थोड़े समय में आपको अपने कार्य को बदलने की इच्छा होने लगती है, काम में मन नहीं लगता है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भर करके उसको लाल कपड़े में बांध कर अगर अपने पास रखते हैं तो आपका कार्य में मन लगने लग जाएगा और जो आपका मन भटकता था वो मन भटकना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये उपाय जरूर करें। सूर्य खाना नंबर छह में जब आता है यहाँ उसका प्रभाव मंदा होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य छह में होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही हठ धर्मी होता है। जहाँ काम करता है वहीं पर झगड़ा करता है, वहीं छोड़ देता है, फिर जा करके वहीं काम शुरू करता है। तो ऐसे सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि चांदी की चौरस जिब्बी में किसी भी धर्म स्थल का पानी भर करके अपने पास रखने से सूर्य का प्रभाव अच्छा होने लगता है, मान सम्मान मिलता है, राज दरबार में उसको ग्रोथ मिलने लग जाती है। दोस्तों आज मैंने जो चांदी की डिब्बी का उपाय बताया है, ये चांदी की डिब्बी आप अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हुए उनसे ले लेना है। चांदी की डिब्बी में चावल मोती भर करके अपनी माँ का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपने पास रख लेना है। अगर मान लीजिए आपकी माँ नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके घर में जो भी माँ के समान उम्र वाली जो भी औरतें हैं, चाहे ताई जी हो, चाची हो, बुआ हो, मौसी हो, कोई भी हो, उनसे आप चांदी की डिब्बी मांग करके चावल और मोती उसमें रख करके आशीर्वाद लेकर अपने पास रख सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो आपको चांदी की डिब्बी स्वयं खरीदनी है, उसमें
चावल और मोती रख करके अपनी माँ की तस्वीर के सामने ये डिब्बी रख देना है, धूप दीप दिखाना है और माँ से आशीर्वाद ले करके अपने पास रख लेना है। ये चांदी की डिब्बी भी उतनी ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, आपको अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटी उम्र की स्त्री हो या माँ समान बड़ी उम्र की स्त्री हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर छोटी कन्या है उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, तो आपका बुद्ध प्रबल होता है, आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका व्यापार प्रगति करेगा। अगर कोई स्त्री है जो जवान है उसका आप आदर सम्मान करते हैं, अच्छी निगाहों से उसको देखते हैं, तो आपका शुक्र प्रबल होता है। शुक्र प्रबल है तो आपके जीवन में लग्जरी अच्छी मिलती है, आप सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप उम्र दराज जो औरतें हैं, माँ के समान जो औरतें हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका चंद्रमा प्रबल होता है। चंद्रमा अगर प्रबल होगा तो आपके जीवन में पैसे से संबंधित तकलीफ कभी नहीं आएगी, आपको धन धन हमेशा भरा रहेगा। तो दोस्तों, आप अपने ग्रहों को अपने स्वभाव से, अपने आचरण से अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रभाव ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको जो ये जानकारी दी चांदी की डिब्बी के बारे में, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो भी आपकी जो भी नई वीडियो मेरी बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी बारे में जानकारी चाहिए तो आप लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट द्वारा, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करूंगी। दोस्तों, अगली बार नई जानकारी नए ग्रह के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।